नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आना है। रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, इसकी चर्चा लगातार देखिए राजनीतिक हलकों में हो रही है और इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं, राजनीतिक गलियारों में लगातार इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जबकि 4 जून को रिजल्ट आना है, बस कुछ ही अब घंटे बचे हैं। देखिए विशाल, वाकई बिहार के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली पहुंचे हैं और चुनाव के नतीजे आने से पहले अगर वो दिल्ली पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी राजनीतिक हलकों में, सियासी हलकों में, कि भाई आखिर क्या कारण है, नीतीश कुमार क्यों दिल्ली पहुंचे हैं। आधिकारिक तौर पर जो मेरा ख्याल है, मेरी जानकारी है, आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की वजह सामने नहीं आ सकी है और नीतीश कुमार इस बीच आज दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली पहुंच भी गए हैं। अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही है। एक खबर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, उस खबर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट भी आए हैं तो उनका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे हैं तो जाहिर है ये सवाल तो है कि बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी बात तेजस्वी यादव कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाना है, इंडिया गठबंधन में जाना है, इसलिए वो दिल्ली पहुंचे हैं, वहां जाके उनकी कोई बात मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेताओं से होनी है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन वाकई बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले 72 घंटे में बिहार की सियासत में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, लेकिन अगले 72 घंटों के अंदर उस खेल की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो जाएगी या बिहार से उस खेल के बड़े संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। बिहार में आपको उस खेल के संकेत, उस खेल की आहट सुनाई देने लगेगी, ये मेरा मानना है। और बिहार में किसी बड़े खेल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई किसी बड़ी खबर के लिए हमको भी तैयार रहना चाहिए और हमारे दर्शकों को भी तैयार रहना चाहिए। बात मैं बिल्कुल गुरेज के साथ कह रहा हूँ। जून 4 जून को होगा, 10 जून को होगा, 20 जून को होगा और क्या होगा, यह भी सवाल है। क्योंकि अभी वैसी कोई मजबूत जानकारी, मैंने कहा कि अभी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से धुआं उठ भी नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं और रिजल्ट से पहले दिल्ली चले गए हैं, कब लौटेंगे इसकी जानकारी भी कम से कम हमारे पास नहीं है। जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं, फिर बताएंगे। देखिए, हमने आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर दिखाई, आपको ये बताया कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। और हमने बहुत स्पष्ट कहा था अपनी खबर में, हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। ऐसी जानकारी बहुत शुरुआती जानकारी है, सूत्रों के हवाले से मिली है। अब उनके बेटे सीएम बन सकते हैं, उनके बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, या दूसरी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री करा के राजनीति से संन्यास लेंगे, राजनीति को अलविदा कहेंगे। और ये भी बहुत शुरुआती जानकारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और जेडीयू में कोई बड़ा पद नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिलेगा, बाद में सरकार में कोई बड़ा पद वो संभाल सकते हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति में होने जा रहा है, जेडीयू के अंदर होने जा रहा है, इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन ये बहुत आंशिक जानकारी है, बहुत शुरुआती जानकारी है। और देखिए, जब इस तरह की बड़ी दर्शकों को आलोचना करनी चाहिए, हमें आईना दिखाना चाहिए, ठीक है, हमें हमारी अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन जो दर्शक आलोचना करते हैं, जिन दर्शकों को ये लगता है कि यही कोई बात हम कह देते हैं, ऐसी ही कोई खबर हम चला देते हैं, नहीं, कम से कम ये चैनल, ये संस्थान आपकी विश्वसनीयता का, आपके भरोसे का बड़ा सम्मान करता है। जब इस तरह की कोई बड़ी जानकारी मिलती है, सूत्रों के हवाले से कोई बड़ी जानकारी मिलती है, तो हमारे सामने जाहिर है ऊहापोह की स्थिति होती है, हमें आपके सामने वो जानकारी परोसनी भी होती है और हम कई स्तरों से फिर उस जानकारी को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको टटोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई जानकारी आई और हमने आपको सीधे परोस दी, हमने कोई कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, कुछ व्हाट्सएप पर देख लिया, कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया और हमने आपको सीधे वो जानकारी परोस दी, ऐसा नहीं होता। कम से कम मैं ऐसा नहीं करता
और मैं दावा करता हूं कि हमारा चैनल ऐसा नहीं करता जी। तो हमें जो जानकारी आज दोपहर में मिली, कुछ घंटे पहले मिली, फिर हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, बिहार की राजनीति के कुछ जानकारों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, और मैं भी टटोलने की कोशिश करता हूं कि मेरी अपनी समझ जो कह रही है और जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसका कोई तालमेल है कि नहीं है, बिहार की राजनीति के जानकारों की क्या राय है और क्या वाकई इसकी गुंजाइश है, इसको हम पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कई तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, विशाल हम उस पर फिर बात करेंगे। और हमने कही दिया है कि बिहार में अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है। एक जो संभावना नजर आ रही है कि एक जो नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, निशांत की बात हम करेंगे। देखिए निशांत जो है वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। बिल्कुल। तो जानकारी देने वाले से हमने यह भी पूछा कि आपके हिसाब से या जो जानकारी दी जा रही है, नीतीश कुमार अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं तो परिवारवाद पर नीतीश कुमार घिरेंगे। पूरे जीवन में नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर नहीं घिरते रहे, पूरे जीवन में राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने राजनीति से अपने परिवार को दूर रखा, फिर ये कैसे होने जा रहा है। तो खबर यह है, जानकारी यह भी है कि नीतीश कुमार राजनीति से खुद को अलग कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति को अलविदा कह सकते हैं, मैं फिर कहूंगा, दर्शक ध्यान से सुने, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत शुरुआती जानकारी है। इस स्थिति को स्पष्ट होने में, इस तस्वीर को साफ होने में थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन हमें परिस्थितियों पर हमें बात करनी पड़ती है, जो संकेत मिलते हैं उन पर चर्चा करनी पड़ती है। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा काम है आप दर्शकों के लिए कि हम इन सारी चीजों को आप तक पहुंचाएं। तो ये स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति को अलविदा कह देंगे, जो जानकारी हमें दी गई, तो और उनके परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य तब निशांत राजनीति में होंगे। अगर नीतीश कुमार राजनीति में नहीं होंगे तो परिवारवाद को लेकर उनको नहीं घेरा जाएगा, परिवारवाद पर कम घिरेंगे नीतीश कुमार। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भाई बेटे को पॉलिटिक्स में ला दिया। निशांत कुमार को लेकर थोड़ी हैरानी, वाकई ईमानदारी से कहूं तो हमारी भी होती है, वो बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बहुत कैमरे के सामने दिखे नहीं, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत सीधे स्वभाव के हैं। राजनीति में जिस तरह के लोगों की जरूरत होती है, जिस तरह के लोग मिलते हैं, उससे बहुत इतर हैं, वो बहुत अलग हैं और बिल्कुल सामान्य, कभी लगा नहीं उनसे आप बात करेंगे। मैंने तो बात नहीं की है, मैं झूठ नहीं, लेकिन मैं जो देखता समझता रहा हूं, सुनता रहा हूं, आप उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बहुत सामान्य तरीके से वो मिलते जुलते हैं लोगों से, बहुत सामान्य तरीके से वो लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे में उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, इस खबर ने हमें भी थोड़ा हैरान किया, लेकिन देखिए हमारे जो सूत्र हैं मुझे उन पर भरोसा करना पड़ता है, कई बार बड़ी जानकारी थी तो हमने दर्शकों के सामने परोसा। अब सवाल है कि राजनीति में निशांत की एंट्री हो रही है तो कैसे हो रही है, अब यह भी जानकारी हमें अपने दर्शकों को देनी थी। तो दो तरह की चर्चा है, सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनने की उम्मीद कम है। सीएम बनेंगे, सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेवारी अचानक उनको मिल जाए, इसकी चर्चा, इसकी जानकारी कम है, ऐसा लगता नहीं है मुझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी हो सकता है भारतीय नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली नीतीश कुमार गए हैं क्या हो सकता है, किस तरह की बातचीत हो सकती है। अभी तो वो एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन में है और अपनी पार्टी को लेकर भी वो फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार की सूरत अगर बदलनी है, अगर उनको कह सकते हैं बेटे को डिप्टी सीएम या सीएम बनाना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही होने जा रहा है, फिर याद रखिए जी, जिस तरह की जानकारी है, जिस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, जो चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, तो फिर उनको अपने सहयोगी दल से बात करनी पड़ेगी। बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी दल है एनडीए से। चर्चा यह भी है, जानकारी इस तरह की भी है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, अमित शाह से, बाकी लोगों से उनकी लंबी चर्चा होने वाली है, बातचीत होने वाली है। अब यह भी जानकारी कितनी सही है, और कई चीजों को लेकर बातचीत होने वाली है। नीतीश कुमार ने अगर मन बनाया है कि वो राजनीति से खुद को अलग करें तो फिर सरकार का चेहरा कौन होगा, इस पर बातचीत होगी। क्या सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास रहेगी, इस पर बातचीत होगी। जेडीयू की तरफ से कोई डिप्टी सीएम होगा या दो डिप्टी सीएम होगा, कौन कौन होगा। देखिए निशांत को, अगर निशांत अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में वो कोई बड़ा पद देना चाहते हैं
तब तो वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और पार्टी में बड़ा पद देने के लिए किसी को भी उनको बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने सहयोगी से पूछने की जरूरत कुछ नहीं है। लेकिन सरकार में अगर कुछ फेरबदल नीतीश कुमार को करना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो। आप वो सम्राट चौधरी से तो बात करेंगे नहीं, वो अमित शाह से बात करेंगे और बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करेंगे। तो ये चर्चा है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत होने वाली है। एक इस चर्चा में एक बात और आप जोड़ सकते हैं, जिसकी जो कही जा रही है बात, जो बात समझ में आ रही है, जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ये चाहते रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। विधानसभा के चुनाव में वो 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। विधानसभा भंग करने की बात कही जाती है, हो सकता है नीतीश कुमार भंग करने को लेकर कुछ खेल करें, इसको लेकर कोई फैसला लें। चर्चा यह भी रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की डील, जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो बीजेपी के साथ उनकी डील भी यही हुई थी कि विधानसभा भंग होगी, विधानसभा के चुनाव पहले होंगे, या कहा तो यह भी जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। तो क्या विधानसभा भंग करने को लेकर कुछ बातचीत होनी है, उस स्तर पर कोई बातचीत होनी है, यह भी सवाल है, इस बात की भी चर्चा है। तो एक साथ बिहार की राजनीति में कई तरह के खेल की संभावना नजर आती है, जेडीयू के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसकी संभावना नजर आती है, पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, इसकी संभावना नजर आती है। और देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है, कई बार उनकी तबीयत उनके आड़े आ जाती है, कई बार चुनाव प्रचार में उनकी तबीयत बिगड़ी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वो राजनीति करने के लायक नहीं है, हम ये सारी बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत को लेकर चर्चा होती रही है कि तबीयत नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है, और संभवतः नीतीश कुमार अपनी तबीयत की वजह से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ऐसी कई तरह की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, कुछ जानकारी चर्चा होती है तो जानकारी भी जुटानी पड़ती है, टटोलने की कोशिश होती है लोगों को कि भाई चर्चा में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर हम जो कह रहे हैं उस बात का लबो लुआब यह है कि आप नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को हल्के में नहीं ले सकते। अब उनके दिल्ली दौरे के मायने हैं, बात होनी है, मुलाकात होनी है और बहुत कुछ तय होना है दिल्ली में जी। इसलिए मैंने कहा कि अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें यह भी नहीं पता है, मैं ईमानदारी से कहूं कि नीतीश कुमार दिल्ली से कब लौटने वाले हैं। तो बात में, मुलाकात में और सब कुछ तय होने में क्या वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है, और नीतीश कुमार का चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली जाना हैरान तो करता है। पूरे चुनाव के दौरान वो दिल्ली नहीं गए, नहीं जा सकते थे, और उसके बाद चुनाव नतीजे जब आने वाले हैं तब वो दिल्ली गए हैं, और जाहिर है इन सारी चीजों की चर्चा हो रही है। तो फिर से बता दे दर्शकों को, जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, वो जिम्मेवारी किसी को देंगे। रामनाथ ठाकुर की चर्चा बार बार होती है कि रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको पार्टी की कमान दी जा सकती है, और ये चर्चा तब भी होती लंबे चर्चे से लंबे समय से हो रही है। ये चर्चा तब भी होती थी जब नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, उससे पहले होती थी, ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया था तब चर्चा होती थी कि भाई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो जाहिर तौर पर एक यह भी चर्चा है, जेडीयू को नुकसान होता हुआ दिख रहा है लोकसभा के चुनाव में कई सीटों का, तो फिर नुकसान एक बार याद होगा आपको कि जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। तो नीतीश कुमार के बारे में अगर ये इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या बेमानी है, क्या गलत है? नीतीश कुमार ने बहुत सरप्राइज दिए हैं बिहार की राजनीति में, 14 में अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को बना दिया, और फिर बाकी कितने सरप्राइज दिए हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि आपको किसी पॉलिटिकल सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है 4 जून के बाद, या बिहार की राजनीति में बहुत सारे बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं आपको,
तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि जानकारी मिलती है उसको कई स्तरों से हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और वो जानकारी जब आपके आपके पास परोसने लायक होती है तभी हम आपके लिए उस जानकारी को परोसते हैं। तो अभी हमारे पास जानकारी यही है, मैं बिना किसी गुरेज के कहूंगा 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 72 घंटे में खेल हो न हो लेकिन खेल की कवायद शुरू हो सकती है। 72 घंटों के बाद ऐसे कुछ संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर ये साफ हो जाए कि नहीं, कुछ तो खेल होने वाला है। जून का महीना जो हम बार बार कर रहे हैं कि खेल का महीना साबित हो सकता है, तो वाकई अगले 72 घंटों के अंदर ऐसे संकेत मिल जाएं कि वाकई जून के महीने में कोई बड़ा खेल होने वाला है। जी विशाल, अभिषेक जी तमाम सारी जो बातें आपने बताई है, तमाम दर्शकों को ये सुनकर के ज्यादा हैरानी नहीं होगी क्योंकि हम लगातार ऐसी बातें बता रहे हैं, जो संकेत राजनीति में मिल रहे हैं, जो नेताओं से बातचीत होती है, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत होती है, लगातार बताते रहते हैं। लेकिन एक बात नहीं, वरिष्ठ पत्रकारों से बात होती है, उनकी राय शामिल होती है, हमारी अपनी समझ, हमारे अपने जो नेटवर्क है, हमारी अपनी जो हमारे अपने जो फोर्स हैं, हमारी अपनी जो जानकारी है, हम लोग फील्ड में रहते हैं, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तमाम स्तरों से जो जानकारी मिलती है फिर उस जानकारी का जो निचोड़ होता है उसको हम दर्शकों के सामने बताते रहे हैं, परोसते हैं। और आपको याद होगा, हम दर्शकों को याद दिला दें, जरा फ्लो टेस्ट की घटना याद कर लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, उसके बहुत समय पहले, कुछ महीने पहले हमने आपको बताया था, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बताया था कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो हमने कई सारी जानकारियां जो है वो बिल्कुल सटीक दी है और हमारी जानकारियों पर आपका आपने भरोसा भी जताया है, बहुत प्यार आप दर्शकों का मिलता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर ये जानकारी हमारे पास है, हमने वो जानकारी आपके सामने परोस दी है। फिलहाल आखिरी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तेजस्वी यादव बीते दिनों जो बयान दिया था पार्टी बचाने को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाचा कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या इसी बात का संकेत तक इसी बात का इशारा कर रहे थे तेजस्वी यादव? नहीं, पार्टी बचाने के लिए वो तो कह रहे थे कि महागठबंधन के साथ आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे, चाचा जी तन से उधर हैं, मन से इधर हैं, कुछ बड़ा फैसला लेंगे। बड़ा फैसला तो ले सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे अभी इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आ रही है। गुंजाइश आपको रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को बहुत गुरेज है कोई इंडिया गठबंधन से, वो पहले भी गए हैं, आगे भी जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने तो रास्ता खुला ही छोड़ रखा है, लालू यादव ने तो रास्ता खुला ही छोड़ रखा है, बहुत सॉफ्ट रहे हैं लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव के लालू यादव के देवर बहुत नरम रहे हैं, तो रास्ता खुला है, लेकिन अभी कोई वैसे मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ जा रहे हैं। बाकी जो संभावनाएं नजर आती हैं उस पर हमने चर्चा की है, उसको लेकर हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि किस तरह की संभावना बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। जी, तो चलिए, जो हमने आपको जानकारी दी है, जो हमारे सूत्र हैं, तमाम जो बातें हमसे होती हैं, सर भी लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लबोलवाब जो इस खबर का है कि 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में किन नेताओं से बात करते हैं, क्या कुछ उनका पूरा मुद्दा रहेगा, तमाम सारी बातें सर ने बता दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।